सबको जोहार। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्पेशली तमिल वर्जन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, जो कि इतने कुछ खास नंबर्स निकल कर नहीं आए हैं। और काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बात यहाँ पर हो रही है कि ये सब क्या हो रहा है, किस तरीके से ये जो रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, खासकर जो तमिल बेल्ट है वहाँ पर इस फिल्म का जो परफॉर्मेंस है इतना अच्छा क्यों नहीं आ पा रहा है। खासकर ऑक्यूपेंसी भी, ऑक्यूपेंसी की अगर मैं बात करूँ तो वो ठीक ठाक सा ही नज़र आ रहा है, पर कलेक्शन कुछ खास अमेजिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से तेलुगु वर्जन का जो हमें कलेक्शन देखने को मिल रहा है, तमिल वर्जन में वैसा मतलब एक धमाका या फिर जो जलवा इस मूवी का यानी कि पठान मूवी का हमको देखने को मिलना चाहिए था, वो यहाँ पर देखने को क्यों नहीं मिल रहा है, ये थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं, फिल्म गिरते पड़ते या फिर किसी तरीके से जिस तरीके से उसने शुरुआत की थी कमाई करने का, खासकर तमिल वर्जन में उसने उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखा है, उसको खोया नहीं है। तो भले ही फिल्म जैसा बाकी सारे वर्जन से हिंदी या तेलुगु से कम कमा रही हो, पर जो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रही है मूवी, जिस तरीके से ऑक्यूपेंसी मेंटेन कर रही है, उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, फिल्म बुरा कमाई नहीं कर रही है, काफ़ी अच्छा कमाई कर रही है। और अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि मैं आपको किस तरीके से ये बातें बता रहा हूँ, आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो अगर हम डे वन से कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो डे वन से अगर मैं बताऊँ तो डे वन में फिल्म का जो कलेक्शन निकल कर आया था वो निकल कर आया था 50 लाख के आसपास। उसके बाद जो सेकेंड डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल कर आया था, मैं नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, वो निकल कर आया था 75 लाख रुपीज़। वहीं तीसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो शुरुआत में तो वही करीबन 30 से 34-35 लाख के बीच का डेटा दिखा रहा था नेट कलेक्शन, लेकिन यहाँ पर फाइनल जो डेटा निकल कर आया है नेट कलेक्शन का, वो हमें देखने को मिला 40 लाख रुपीज़, जो कि बुरा नहीं है अगेन। लेकिन यहाँ पर चौथे दिन थोड़ा बहुत उछाल यहाँ पर देखने को मिला है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में, और ऑक्यूपेंसी में तो देखने को मिली ही थी, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल दे ही दिया था। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की चौथे दिन की, तो यहाँ पर हमको जो नंबर्स निकल कर आए हैं, जो देखने को मिले हैं, वो देखा जाए तो अच्छा है, बुरा नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट डे वन के बराबर ही इस फिल्म ने कलेक्शन किया है, और वो कलेक्शन किया है 50 लाख रुपीज़ का, जो कि देखा जाए तो अच्छा ही है, बुरा नहीं है। मतलब जिस तरीके से शुरुआत से अभी तक फिल्म ने 4 दिनों में जिस तरीके से परफॉर्म किया है, उस हिसाब से तो मैं कहूँगा कि हाँ, बैलेंस्ड वे में इस फिल्म ने कलेक्शन किया है, जितना किया अच्छा किया, कम से कम इससे नीचे नहीं जाना चाहिए ग्राफ, वरना इस फिल्म के लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो अगर मैं ओवरऑल इस फिल्म की बात करूं कि ओवरऑल इस फिल्म ने कितना का कलेक्शन कर लिया है, तो ओवरऑल इस फिल्म ने 2.15 करोड़ का यहां पर कलेक्शन कर लिया है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये फिल्म इसी तरीके से चलती रही तो मतलब 2 हफ्तों के अंदर अंदर, अभी तो चली रही है, 1 हफ्ता तो कंप्लीट हुआ भी नहीं है, 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये फिल्म जो है आराम से 4 से 5 करोड़ का आंकड़ा टच कर जाएगी, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ये फिल्म वैल्यू ऐड कर देगी बॉक्स ऑफिस नंबर के ऊपर, जो कि मैं चाहूँगा कि ऐसा ज़रूर हो। बाकी देखेंगे कि ये फिल्म कहीं बीच में पुश ना हो जाए या फिर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस ढीला ढाला ना हो जाए। अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाई ये फिल्म तो आराम से मतलब 4 से 5 करोड़ रुपया तो फिक्स है, मतलब अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर। बाकी देखते हैं ये फिल्म किस तरीके से आगे परफॉर्म करती है। तो ये कुछ बॉक्स ऑफिस नंबर्स निकल कर आए हैं चौथे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और ओवरऑल जो कलेक्शन निकल कर आया वो मैंने आपके सामने रख दिया है। जोहार।